हाय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माथा क्लासेस में। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, आज हम लोग इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बात करेंगे, ठीक है। फिगर देखिए दिया हुआ है, दोनों ये फिगर है, दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना है क्या चीज़, यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। दिया हुआ है रेशियो जो है ए बी बाई पी क्यू इजकल टू बी सी बाई क्यू आर इजकल टू ए डी बाई पी एम, ये हम लोग का गिवन है। क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इस टाइप से फिगर है दोनों, क्लियर दिया हुआ है। देखिए ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर ए डी बाई पी एम सिमिलर दिखाना है, तो जो दिया है उसको ले लिए और क्या किए, ये बी सी आप देख रहे हैं डी मिड पॉइंट है, क्यू आर का मिड पॉइंट एम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसमें दो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखिए आपका ए बी बाई पी क्यू मिल जाएगा और साथ में ये ए डी बाई पी एम हो जाएगा और बी सी का आधा यहाँ आपका क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। और ये क्यू आर का हाफ हो जाएगा हम लोग का क्यू एम, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि जो ट्रायंगल हम लोग का ए बी डी, ठीक है, ट्रायंगल जो है ए बी डी हो गया, कल की देखिए इसके साथ इसका रेशियो ये मिल गया हम लोग को, तो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम का, ठीक है, पी क्यू एम का ये हो गया आपका बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी से, ठीक है। कारण थ्री साइड का रेशियो हम लोग को इक्वल मिल गया, तो सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो जाने से यहाँ क्या होगा आपका, ये एंगल बी और क्यू हम लोग इक्वल ले लें, ठीक है, क्योंकि सिमिलर होने से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये बन रहा है आपका, तो यहाँ रीजन आप लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, आपका जो पूरा ट्रायंगल हम लोग को सिमिलर दिखाना था, तो पूरा ट्रायंगल जो सिमिलर दिखाना है उसमें ट्रायंगल आपका क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी है एंड ट्रायंगल पी क्यू आर है, यह है। तो इसमें देखिए हम लोग एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू प्रूव कर चुके हैं ऊपर में, प्रूव एबव, ठीक है। और हम लोग का दिया हुआ है आपका, देखिए ये ए बी बाई पी क्यू इजकल टू बी सी बाई क्यू आर, ये आपका गिवन है, ठीक है। तो देखिए दो साइड का रेशियो इक्वल और उसके बीच का एंगल आपका इक्वल हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो ये सिमिलर किससे हो गया आपका, बाय साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी से। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो पेज और कॉपी लेके पेन लेके बैठें, तो जैसे बताते गए वैसे आप क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।